आप ये चेक करो गाइस, ये अलग ही चीज है। क्या लाइटिंग हो रही है बाहर, देखो इधर सन ढला भी जस्ट रेड रेड है, ऊपर ब्लू ब्लू है, क्या ही प्यारा लग रहा है, मैं क्या ही बताऊं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सबसे पहले तो बाहर का व्यू चेक कर ले, कितना प्यारा व्यू है शाम का, ऊपर ब्लू स्काई, नीचे थोड़ा सा रेड टाइप का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मन तो कर रहा है ऐसे ही बैठ के देखते रहूं और शाम कट जाए, बट ये जो व्यू होता है ना, ये जो लाइटिंग ऐसा आता है, मतलब बहुत ही कम देर के लिए रहता है और अचानक से 5 मिनट में लगता है खत्म रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो भी रहा है और अब धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा पूरा स्काई और फिर स्टार्स आ जाएंगे, तो ये कुछ पल के लिए रहता है सिर्फ और सिर्फ। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो चलो, शाम तो रखा है, आगे व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले मैं कर देता हूँ कर्टन्स को डाउन, क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ऐसे व्लॉग करूंगा तो सबको देखेंगे बाहर से क्या कर रहा है ये। तो चलो पहले कर्टन डाउन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो अभी कर्टन्स डाउन करने के बाद मैं कर देता हूँ स्टार्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का वन शॉट का लेक्चर स्टार्ट अपने विपिन शर्मा सर का। तो अभी गाइस बायोलॉजी में मैं वन शॉट ही कर रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ बेसिकली। तो चलो पहले इस लेक्चर को करते खत्म, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अच्छे से कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर बैकलॉग है और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या कर रहा हूँ। तो लेक्चर करने के बाद मैं निकलता हूँ बाहर चाय पीने के लिए अपने कजन के साथ, क्योंकि मेरे कजन आ रखे थे घर पे मेरे। तो फिलहाल गाइस अभी मैं आता हूँ मैं ही खाने के लिए एंड उसके बाद पीता हूँ पानी एंड उसके बाद पीता हूँ चाय एज ऑलवेज, और मुझे अपने आज हेयर कट भी लेने हैं तो वो भी कराऊंगा, तो ये सब कराते हैं फिर निकलते घर के लिए, ठीक है। ओके गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे एंड मैंने अपना हेयर कट भी ले लिया, बट मैंने उतना व्लॉग नहीं कर पाया गाइस अच्छे से, बस हम लोग मैगी पॉइंट पे गए थे, चाय पॉइंट पे गए, सो वहाँ का व्लॉग मैंने लिया। बट ये चेक करो गाइस, अब पीचर्स मैंने अपने हेयर कट लिए और थोड़ा सा भी मुझे लाइट फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए मेरे बाल एंड काफ़ी मुझे हेवी हेवी सा फील हो रहा था। तो अभी हेयर कट करा मैंने एंड ये हेयर कट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं गया था कि मुझे ऐसे हेयर कट लेने, मतलब मैं ऐसे सिंपली ट्रिम करवा लिया हल्का हल्का थोड़ा सा, क्योंकि हर मंथ हमें अपने बालों को थोड़ा सा कट करना चाहिए, स्प्लिट एंड्स हटवाने चाहिए, इतने तो उससे बाल ख़राब होते हैं, तो इसलिए मैंने हेयर कट्स भी ले लिया। तो फिलहाल अगर हम लोग आ चुके घर पर और अभी ऑलमोस्ट 9 बजे है, तो अभी मैं करूंगा अपना सेमीकंडक्टर का लेक्चर कंप्लीट और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरा सिलेबस कहाँ तक हो रखा है, मेरे कितने बैकलॉग है, कितना लेक्चर, कितना टॉपिक्स मेरे बैकलॉग में, सब मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। बट गाइस उससे पहले मेरे पास एक अपडेट आप सभी लोग के लिए, अभी रिसेंटली 25 को फिजिक्स वाला ने इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव सेलिब्रेट करा था, इसमें वो लेकर आया आप सभी लोग के लिए काफी सारे बैचेस एंड सारे बैचेस पे ढेर सारा डिस्काउंट। और जो लोग अभी नीट के प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो लोग अभी 12th में गए हैं या फिर जो लोग भी 11th में गए हैं एंड अभी से वो लोग करने वाले पढ़ाई स्टार्ट, उन सभी लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो बैचेस के नेम है अर्जुना नीट, यकीन नीट एंड लक्ष्य नीट। लक्ष्य नीट 12th लोग के लिए एंड ड्रॉपर के लिए यकीन बैच, एंड जो लोग 11th में उन सभी लोग के लिए अर्जुना नीट। और ये तीनों बैच हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है एंड विश्वास दिवस के ऑफर पे आप सभी लोग के लिए काफी सारे सरप्राइज भी है। अगर आप यकीन 2025 बैच लेते हो तो आपको उसके साथ यकीन 2.0 बैच फ्री मिलेगा। ऐसे ही आपको और बैचेस के साथ जो भी बैचेस फ्री मिलेंगे ऑफर में वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये सब आपके लिए एडिशनल ऑफर्स है। एंड हाँ, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो जल्दी से आप लोग परचेस कर लेना बैच। एंड इन सभी बैच में आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो आपको बनाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी में परफेक्ट, डीबीपीज विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको अकॉर्डिंग टू योर प्लानर। इन सभी बैचेस के लिए एक प्रॉपर मॉड्यूल भी अवेलेबल है जो आप लोग चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। एंड कोई भी बैच लेने से पहले आप मेरा कूपन कोड यूज करना जो है शोभित, इसको यूज करने से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये कोड यूज करना मत भूलना। तो जाओ अभी से बैच ले लो एंड देर मत करो, देर करोगे तो बैकलॉग होगा आपका, काफी सारे क्लास छूटेंगे, इसलिए अभी स्टार्टिंग से बैच ले लो और स्टार्टिंग से ही करो प्रिपरेशन। और स्टार्टिंग से आप एक वे में करोगे, एक डिसिप्लिन वे में करोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई आगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग से बैच लेने के लिए। तो फिलहाल गाइस बैठते टेबल पे एंड बात करते हैं हम लोग अपने सिलेबस के बारे में। ओके, पहले पानी पी लेता हूँ, ज्यादा ही बोल दिया मैं, गला सूख रहा है मेरा आजकल बहुत। चलो पहले पानी पीते गाइस। इतना भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो बट पानी की प्यास जो होती है ना, पानी से मिटता है। बहुत कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी पानी की याद आ जाती है।
तो अभी गाइस टाइम हो चुका है 9:30 रात का और अभी जस्ट मैंने बायो का एक चैप्टर रिवाइज करा है। काफी छोटा चैप्टर है, आपको ही पता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का लेक्चर था, वन शॉट का ऑफ कोर्स, तो मुझे एक घंटे लग गए क्योंकि मुझे नोट्स भी थोड़े रिवाइज करने थे। तो मेरा बायो का पूरा हो चुका है गाइस, 100% सिलेबस खत्म हो रखा है मेरा बायो का। बायो को सिर्फ और सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ, वन शॉट से रिवाइज कर रहा हूँ। मोस्टली विपिन शर्मा सर के लेक्चर देखता हूँ मैं, मतलब वन शॉट के, तो उनके वन शॉट से मैं अपना बायो कर रहा हूँ, साथ ही मैं एनसीईआरटी रीड कर रहा हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये चल रहा है मेरा बायो का भी, क्योंकि मेरा बायो का पूरा सिलेबस खत्म हो रखा है। तो अब बात करते हैं गाइस फिजिक्स की। तो फिजिक्स में मेरे गाइस तीन लेक्चर रहते हैं अभी सेमीकंडक्टर के, एक तो मैं अभी करूँगा और मतलब 3 दिन में मैं उसको खत्म कर दूंगा, वो 3 लेक्चर जो मेरे सेमीकंडक्टर के रहते हैं। और अभी मेरे फिजिक्स में SHM एंड वेव्स के बैकलॉग हैं, तो ये तीनों मिला के 3 लेक्चर SHM एंड वेव्स के मुझे ऑलमोस्ट 8 to 10 days लगेंगे इसे कंप्लीट करने में। तो 8 से 10 दिन में मेरा ये फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो फिजिक्स में मेरे पास 3 लेक्चर सेमीकंडक्टर के एंड SHM एंड वेव्स के बैकलॉग, तो वो मैं कर लूंगा 10 दिन में। उसके बाद मैं सिर्फ करूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने मेरे से हो चुके एंड भर के टेस्ट दूंगा। तो थर्ड अब बात करते गाइस केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में मेरे गाइस अभी ऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड रह गया है जो मैं करूंगा अगेन कंप्लीट। और ऑर्गेनिक में मेरा 2 चैप्टर का बैकलॉग है, फर्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेकंड है मेरा अल्कोहल फिनाइल एथर। ये 2 मेरा बैकलॉग है गाइस। वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स हमने बायो में पढ़ाई है, बट फिर भी एक बार एनसीईआरटी रीड और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा इसका भी, और जो रह गया और जो रहता है उसका कर लूंगा लेक्चर कंप्लीट। तो ये थे मेरे बायो फिजिक्स, बायो में तो यही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बैकलॉग्स। और अभी गाइज मैंने काफ़ी कम व्लॉग्स डाले, मैं जो मंथ के ऑलमोस्ट 20 से 25 व्लॉग डालता था, मैं अभी मेरे मंथ के 4 व्लॉग्स पे नहीं पड़ रहे, मतलब कि हफ्ते में मैं एक व्लॉग भी नहीं ढंग से डाल पा रहा हूँ। तो इसका रीज़न गाइज एक ही था, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था कि मैं अपना बैकलॉग ख़त्म कर रहा था। एज यू नो गाइज कि मेरे घर बनने में काफ़ी टाइम लग गया था, इस कारण मुझे पढ़ाई में काफ़ी परेशानी भी आई। एक तो पहले से मैं सिंगर, नीट का कोई चक्कर नहीं था मेरा, बट सब पता ही आपको, तो उस चक्कर में मेरे काफ़ी सारे बैकलॉग हो गए थे गाइज। और पिछले साल में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा रह गया था, तो वो मैं बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में व्लॉग्स नहीं बना पा रहा था। अभी मेरे को अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी करवानी थी, तो उसके लिए भी टाइम नहीं था, तो मैं उसे भी कैसे कैसे करके संडे को टेस्ट देकर उसका सर्विस भी कराया। तो ये सब सीन के चक्कर में गाइज मैं अभी अपने बैकलॉग को ख़त्म करने के चक्कर में व्लॉग्स नहीं बना रहा था। बट अभी काफ़ी कम चैप्टर्स रह गए हैं, तो ये ऑलमोस्ट 15 days लगेंगे मुझे अच्छे से कंप्लीट करने में उसको। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs और भर के टेस्ट दूंगा। तो ये थे मेरे बैकलॉग। एंड अभी मेरा नेक्स्ट 40 days का ये प्लान है कि मैं पहले तो 15 days में इसको कंप्लीट करूँ, उसके बाद जितने मेरे पास दिन बचते हैं, मेरे पास टेस्ट सीरीज भी, होम टेस्ट सीरीज, तो मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, PYQs करूंगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। और जो मेरे टॉपिक फंसते हैं या जो क्वेश्चन मेरा रॉन्ग होता है मेरे टेस्ट में, तो उन्हें बस मैं अगेन रिवाइज करूंगा, अगेन उसका NCERT पढ़ूंगा, बस और क्या करूँगा। तो यही गाइज मेरा प्लान है। और अभी जैसे कि मेरा बैकलॉग काफ़ी ख़त्म हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा गाइज कि आपको व्लॉग भी दे दूँ। तो यही सब है गाइज, इस चक्कर में मैं गाने भी नहीं गा पा रहा हूँ, ना आपको सुना पा रहा हूँ। अगेन मेरा गिटार देखो वहाँ पे, ये देखो, ये तो घर खराब हो रखा है, गिटार ये रहा गिटार, तो गिटार भी रख रखा है गाइस, बट अंटी उन्हें मुझे गिटार गाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये सब सीन है गाइस। एंड आजकल बालों में गाइस डैंडर भी हो रखे हैं मेरे, कुछ केयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं बालों की, मतलब किसी भी चीज़ का। एक तो बहुत मुश्किल से काफ़ी दिनों बाद भी हेयर कट लिया हूँ। तो फिलहाल अभी गाइस मैं आता हूँ सेमीकंडक्टर का लेक्चर कंप्लीट करने। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको सारा अपडेट मिल गया होगा मेरे से बस कहाँ तक हो रखा है एंड कहाँ तक मेरे बैकलॉग हैं और मेरा अभी 45 डेज़ का या फिर 40 डेज़ का क्या प्लान है। और हाँ, मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे कि आपने फॉर्म फिलअप करा नहीं करा, रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं करवाया, तो मैंने तो करवा लिया गाइज। अगर आप नहीं करवाए तो आप भी करवा, और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप कर दिया, वो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। माफ़ करना मुझे, मैं लंबी ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, समझोगे, आई नो आप लोग समझते हो, 1-8% लोग नहीं समझते, खैर उनसे मतलब भी नहीं है। ओके गाइस, तो यही थी इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो कि काफ़ी छोटी सी व्लॉग थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि आपको लॉन्ग व्लॉग दूँ, पर आप समझ रहे हो ना, अभी काफ़ी कम टाइम रह गया नीट के लिए, एंड ये मेरा सेकेंड ड्रॉप है, तो मैं थोड़ा सीरियस हूँ पिछले बार से ज़्यादा। तो चलो, इस वीडियो में ही, बहुत जल्दी आपको लॉन्ग व्लॉग दूँगा मैं, क्योंकि अभी काफ़ी कम रह गया ना बैकलॉग। चलो गाइस, इस वीडियो में ही, मिलते हैं आपसे फिर से किसी और ब्लॉग में, से भी आप अच्छे से पढ़ो, तब तक के लिए।